Mr. Brown, can I please have the... हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के ब्लॉग में जैसे कि आपने टाइटल, थंबनेल और वीडियो के स्टार्टिंग में हाइलाइट्स पे आपने वीडियो के स्टार्टिंग में हाइलाइट्स में आपने देख लिया होगा। हाँ जी, ये है मेरा छोटा कज़न जुहान। जुहान से अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं गाइस को बता दूं कि हम लोग जा रहे हैं आज लकी वन मॉल। लकी वन मॉल में जैसे कि आप लोगों ने टाइटल थंबनेल में देख ही लिया है कि टर्किश एक्टर आ रहे हैं जो अर्दगुल में भी थे, जिनका नाम है बुराक ऑसीवेट। आई होप कि मैंने प्रोनाउन सही किया हो। जुहान को भी हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं। जुहान मेरा कज़न है, मेरे चाचू का बेटा है। जुहान बोलो गाइस, लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें मेरे भाई के चैनल को। सुन रहे हैं? नहीं तो जुहान, अगर इन्होंने अगर नहीं किया तो आप क्या करोगे इनके साथ? क्या करोगे? पता नहीं ये क्या कह रहा है, लेकिन मेरे साथ मेरा छोटा भाई जा रहा है और गर्मी बहुत ही ज्यादा है कराची में। जैसे कि मैं अभी जो शावर ही लेके निकला हूँ और देखने स्वेटिंग मुझे कितनी हो रही है। खैर, छोटा भाई मेरा रेडी होता है, उसको भी शॉपिंग वगैरह करवानी है और मुझे खुद कुछ चीजें लेनी है। आप लोगों को मिलते हैं रस्ते में। आप लोगों ने लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। आगे जाके बहुत ही ज़्यादा क्रेजी व्लॉग्स बनने वाले हैं इंशाल्लाह। अब मैं कंसिस्टेंट रहूँगा और एक मैंने सीरीज भी सोची हुई है। खैर, अभी हम लोग जाते हैं और फिर उसके बाद आप लोगों को वहाँ पर जाके अपडेट करते हैं। सो यार, पहले नमाज भी पढ़नी है। नमाज पढ़ के असल की नमाज हम वहीं भी जाके पढ़ेंगे क्योंकि रस्ते में टाइम लग जाएगा। फैन की आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा है, एज यू कैन सी वैसी स्वेटिंग इतनी हो रही है। तो खैर, जाते हैं और आपको अपडेट करते हैं। सो यार, Mr. Brown, can I please have the privilege to talk to you? Can I please ask you some questions? कभी कभार आपकी लाइफ में ऐसा होता है कि आप सोचते कुछ और होता, कुछ और होता। ऐसे ही हमारे साथ हुआ है। आज फैमिली डे था तो हम लकी वन में जा सके। ऑलराइट एवरीवन, आप लोग सोचोगे इंट्रो में इसने बोला था कि हम जा रहे हैं लकी वन मॉल और लकी वन मॉल गए नहीं। और फिर हम लोग गए थे और मेरे साथ सुभान है। सुभान, कैसे हो? ठीक हो? सुभान मेरा छोटा भाई है, लगता हूँ छोटा है लेकिन है छोटा। सीन कुछ इस तरह के हैं कि हम लोग गए थे लकी वन मॉल और वहाँ पर आज था फैमिली डे और आज काफ़ी सिक्योरिटी भी थी बिकॉज ऑब्वियसली यार वो टर्किश एक्टर आ रहा था तो, और अच्छा खासा पॉपुलर इंसान है वो भी। तो बोला भी था, एक दो लिंक्स थे उनके थ्रू बोला भी था, बट खैर नहीं हो पाया। इट्स ओके, ऐसा होता रहता है जब आप कभी कुछ चीज़ सोचते हैं और वो ना हो तो इस तरह आप डिसाइड नहीं होते। हम फिर KFC आ गए, KFC में ऑर्डर वगैरह दे दिया, ऑर्डर आते फिर आपको दिखाते हैं। ये ब्लॉग मैं अपलोड करूँगा, काफ़ी बार ऐसा होता है कि यार मैं कभी ब्लॉग बनाने के लिए जाता हूँ और फिर कुछ ना कुछ भंड हो जाते हैं और फिर मैं ब्लॉग वीडियो नहीं करता, बट इस बार मैं करूँगा बिकॉज आई एम सो मोटिवेटेड। हर काम में अल्लाह की बेहतरी होती है, हर जब अल्लाह की मर्ज़ी के अलावा ना कभी कुछ भी नहीं होता। जब आप अल्लाह पे हर चीज़ छोड़ दें वो आपके लिए बेहतरीन रिश्ते भी निकालते हैं। काफ़ी दरवाजे बंद भी होते हैं आपके लिए लेकिन काफ़ी खुलते भी हैं। वो खैर
मैं थोड़ा सा डिसहार्ट हो जाती हूँ बिकॉज यार स्ट्रगल जो होती है ना इंसान की, और यूट्यूब चैनल ग्रो करना और इस तरह, मतलब कि मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाऊँ और जितना जल्दी हो सके ना, मैं जितना हो सके मैं कंटेंट अपना बनाऊँ, ब्लॉग्स वगैरह बना के अपने चैनल को ग्रो करूँ। बिकॉज काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा लॉसेस से ग्रोथ भी करना पड़ता है, लेकिन फिर मेरा चैनल मुझे इतना मोटिवेट कर देता है, और मेरी लाइफ में ना मेरे चैनल ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। तो खैर ज़्यादा डिसहार्ट नहीं होते और डिमोटिवेट भी नहीं होते, ऑर्डर आते हैं फिर खाते हैं, फिर उसके बाद घर जाते हैं, मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं क्योंकि असर की नमाज़ उन्होंने नहीं भी पढ़ ली थी, इम्तियाज़ में गया था, इम्तियाज़ में भी जो चीज़ देनी थी वो भी नहीं मिली। तो खैर काइंड ऑफ अ बैड डे बट नॉट अ बैड लाइफ, अलहमदिल्ला लाइफ बहुत अच्छी है। तो ऑर्डर आते हैं फिर उसके बाद आप लोग खाते हैं।